फोटो नहीं है, फोटो नहीं लेंगे। नहीं नहीं, आप कैसे रोक सकते हैं? भाई फोटो नहीं खींचना, तेरे को मार बोल निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा बाल पानी फोटो ले लाया देखो, फोटो ले दे जल्दी कर। खींच लें फोटो, बाइट लेनी है सर, बाइट अलाउड नहीं है ना यार, आप गेट के आगे चल रहे हो, आप उधर से आगे इधर आ जाओ यार, लड़के आप इधर, आप उधर लाइफ बात तो समझ करो यार, आज आज आ रहा आगे आ रहा ठीक है चल। तू कर लेने तो। आप इधर सुनो, देखो फिर हमने यहाँ बैरियर बंद कर देने, इधर लोगों के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। बस इधर से निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, आ जाएंगे आगे कर। ये बंद करो यार, आगे क्यों आने देते हो, इससे आगे इनको आने मैं पीछे आ गया हूँ, अब रोड पे हूँ। तो भाई सर अंदर थोड़ी ना हूँ, अभी बाहर हूँ मैं, गेट के अंदर नहीं हूँ, बाहर हूँ मैं, बाहर हूँ, बाहर है हम, कोई अंदर थोड़ी ना। लाइव चल रहा है, किस तरीके से गरीबों की जमीनें छीनी जा रही हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है, झोंपड़े तोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और ये गवर्नर के लोग हमें धक्का मार रहे हैं यहाँ। ये सड़क किसी के बाप की नहीं है, यहाँ बैठ के मैं गवर्नर के घर के बाहर धरना दे रहा हूँ। गरीब लोगों की जमीनों से आप उनको बेदखल नहीं कर सकते हैं, और जहाँ गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बुलडोजर उनके घरों के ऊपर चलाया जा रहा है, और जो बीजेपी के चहेते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अभी शामिल लोग हुए हैं, उन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की जमीनें जो हैं वो घेरी हुई हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो उनकी खाली करवाइए, जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की जमीनें दबाई हुई है। गरीब आदमी के साथ जुल्म नहीं होने देगा हर स्टेप किसी भी कीमत पर, मैं यही अपनी जान दे दूंगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जो अंदर बैठे हुए अपने एसी के कमरे में, ये मैं उनसे कहना चाहता हूं, गरीब के साथ आप जुल्म नहीं कर सकते। जगह जगह गांव में जो जमीनें लोगों ने तैयार की, जो नवा तोड़ बनाए, जो दूसरी जमीनें जो उन्होंने अपनी मेहनत से तैयार की थी, जिनको जरखेज बनाया, जिसके ऊपर वो दौर वक्त की रोजी, अपनी जो रोजी जो है अपने बच्चों को मुहैया करवा रहे, उन जमीनों से आप उनको बेदखल करना चाहते हैं, और खुद यहाँ 500 कनाल का आपका महल बना हुआ है। आपके जो चहेते हैं उन्होंने अरबों रुपए की जमीनें कब्ज की हुई है, उनको पूछिए जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने जगह जगह जमीनें घेरी हुई है, उन्होंने महल बनाए हुए हैं अपने, उनको नहीं पूछते। हाल ही में किसी गरीब को पकड़ा जिसका कोई बेली बारिश नहीं, उसको पकड़ के आप सोचते हो कि गरीबों का कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका हर्षदेव है, हर्षदेव लड़ेगा आखिरी सांस तक लड़ेगा, गरीब की खातिर, मजदूर की खातिर, किसान की खातिर, और ये जुल्म कभी नहीं होने दूंगा मैं। ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक शह दी जा रही है बीजेपी के नेताओं को, जो एमएलए रहे, जो मंत्री रहे, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे बीजेपी के, उनके ऊपर बुलडोजर चलाइए,
उनके साथ आपकी क्या रिश्तेदारी है मैं पूछना चाहता हूँ। ये सिलेक्टिव इविक्शन जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मोदी जी आप तो कहते थे कि गरीबी 2022 में खत्म हो जाएगी, 22 तो चला गया, लेकिन 22 के जाते जाते आप गरीब को खत्म करने के ऊपर तुले हुए, गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा, गरीब को खाली करवाया जा रहा, जगह जगह वो जमीनें जो गरीबों ने तैयार की थी अपने खून पसीने से, जो उनके बुजुर्गों ने कई कई पीढ़ी दर पीढ़ी जिसके ऊपर वो हल चलाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उन जमीनों के ऊपर भी आपने सरकार के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं जिसको बसाना चाहते हैं आप इन जमीनों के ऊपर गरीबों से खाली करवा कर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, गरीब के साथ जाती कभी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, ये हम कहना चाहते हैं यहाँ पे। और जिन लोगों ने अरबों रुपए की जमीनें दबाई हुई है, हिम्मत है उनसे खाली करवाइए। वो बीजेपी में जाते हैं उनका गंगा स्नान हो जाता है, बीजेपी में जाने के बाद आप उनको पूरा शेल्टर दे रहे हैं, सरकारी बंगले दबाए हुए हैं बीजेपी के लोगों ने। ये उनके बाप की जागीर नहीं है रियासत, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पिता की जागीर नहीं है। इस रियासत को बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने अपना लहू दिया है। और ये जमीनें जिस तरीके से तैयार की है, बंजर जमीन इस तरीके से तैयार नहीं होती है, बंजर जमीन को तैयार करने के लिए खून पसीना और लहू देना पड़ता है। हमारे लोगों ने अपना लहू देकर ये जमीनें तैयार की और आज आजादी के 75 वर्ष बाद आप इन जमीनों को उनसे छीनना चाहते हैं। ये इस झंडे का अपमान है, इस झंडे ने अधिकार दिया है कि कोई भूखा ना सोए, इस झंडे ने अधिकार दिया है कि लोगों को जिंदा रहने का अधिकार है, लेकिन आप वो अधिकार लोगों से छीन रहे हैं जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और इसके लिए हम यहाँ बैठे गवर्नर के दरवाजे के ऊपर मैं आज धरना देकर यह कहना चाहता हूँ कि गरीब के ऊपर जुल्म हर्षदेव नहीं होने देगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। और आंखें खोलिए अपने गवर्नर साहब, मोदी साहब आप अपनी आंखें खोलिए और ये जोर जबरदस्ती ये गरीबों के साथ जुल्म, ये अन्याय मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे देखो जबरदस्ती प्लीज भाजपा के गुंडे मुर्दाबाद, भाजपा के
गुंडे मुर्दाबाद, भाजपा के गुंडे मुर्दाबाद, गरीबों के साथ अन्याय।